वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार और सलाम। अभी आज मैं आपको एडजस्टेबल ग्राइंडर बना के दिखाऊंगा, जिसे हम ग्राइंडिंग के लिए ऊपर नीचे किसी सेट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरे किसी यार दोस्त ने मुझे बोला, अभी मुझे डीसी मोटर वाला बना के दो, तो मैंने उसके लिए बनाया है। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है आपके भाई की, और मैं आशा करता हूँ आप मेरी सपोर्ट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और एक लाइक ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं। जो भी सामान है, एक तो हम ये मोटर लेंगे, 775 मोटर है, हाई RPM, इसे मैंने खुद ग्राइंडिंग की है इसकी, और एक फीमेल प्लग और एक स्विच, और एक पाइप लेंगे जिसे एडजस्टेबल करने के लिए, इस पाइप को ऊपर नीचे जाने के लिए भी हम जुगाड़ लगाएंगे, और ये एक सीट का टुकड़ा मेरे पास पड़ा था जिसे हम निशानी लगा के। वैसे तो मेरे पास ये दो पीस पहले ही पड़े हैं, कई बार मैंने टर्बो इंपेलर बनाए हैं, उनके बसे हुए पीस हैं ये दो ही, इसे भी हम यूज में लाएंगे, और ये दो सीट है इसकी भी वर्तों करेंगे। चलो शुरू करते हैं। और एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो मेरे पास ऑलरेडी बनाया एक पीस पड़ा था, जिसमें मैंने ये सीट लगा रखी है नीचे, इसमें जो हमारी मोटर का जो फेस है बिल्कुल सही फिट हो रहा है, तो मैंने इसी की वर्तों कर ली। अब हम जो दो सीट हमने ली है उसके ऊपर निशानी लगाएंगे, जो पैप हमने पीस लिया था उसे रख कर उसके बराबर की निशानी लगाएंगे। और दो पीस कट करने हैं हमने, जो हमारा एडजस्टेबल जो पोर्ड होगा वो बनेगा। इसके स्टोन के बराबर हम इसकी ऊंचाई रखेंगे, और जो पाइप का मैंने बीच में दो निशानी लगा रखी है उतना ही हम इसमें चाक बनाएंगे चलने के लिए, जो एडजस्टेबल सेटिंग होगी इसकी। और दूसरा जो डब्बी है हम उसका भी निशान लगाएंगे, जो डब्बी है मैंने छोटी सी रखी है और तेजी रखी है, ये देखिए हमने निशान लगा लिया। अब हम सभी चीज़ों को काट लेंगे। अब जो दो स्टेप मैंने और लिए हैं, जो इसकी मूविंग्स जो है जिगाड़ बनाने के लिए, दो ही चीज़ों को हम पैप के साथ ऐड कर देंगे, बिल्कुल सामने आमने सामने होना चाहिए, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब हम जो चाक हमने बना रखे हैं उसकी निशानी लगाएंगे, जो उसकी गली और जो चाक की गली है बिल्कुल उसके बराबर की निशानी लगाएंगे, और दो होल हम पहले निशानी लगाएंगे, होल हम उसके बाद में मारेंगे। ये देखिए मैंने होल मार लिए हैं। आगे वाला होल जो है वो हम पहले पीछे से इसे फिक्स करेंगे उसके बाद मारेंगे, जिसके लिए मैंने PVC पाइप को अपनी जुगाड़ बना रखा है। अब हम निशान दूसरा भी लगाएंगे और होल कर देंगे जुगाड़ में, ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी रख के इसको निशानी लगाएंगे और होल कर देंगे। और अब हम इसे देखेंगे चलाकर, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है।
अब हम इसके ऊपर नीचे निशानी लगा के इसका वेंटिलेटर होल भी मार देंगे और जो मोटर वाला पीस है उसे आगे कस देंगे और उसके बाद हम इसे ग्लू लगा कर फिक्स कर देंगे। पीछे वाला जो नट है वो डायरेक्ट देंगे, आगे हम एक वासल का यूज करेंगे जिसे मैंने पीवीसी पाइप से ही बनाया है। पहले हम नट को कस के उसका साइज बनाएंगे क्योंकि गली जो है टाइट थी तो नट थोड़ा बड़ा है। अब हम कस देंगे, ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी इसे कर देंगे। और उसके बाद हम इसके जो चाल है वो बनाएंगे हिलाकर और हमें पता चल जाएगा ये चाल है हमारी बिल्कुल सही है या नहीं है। तो अभी तो खुला है, ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर फिक्स कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल परफेक्ट है जो इसकी चाल है। इसमें मैंने छोटे छोटे डंडे दे रखे हैं जहाँ पे ये अड़केगा, खड़ेगा यानी के। अब हम इसे फिक्स कर देंगे सीट के ऊपर और डब्बी को बना देंगे, फिक्स कर देंगे। बीच में मेरे पास एक बिल्ली है, उसने मेरा स्टैंड गिरा दिया था, तो भाई माइंड मत करना। अब हम इसे डब्बी को भी चिपका देंगे और दो एक होल हम जहाँ से वायर डब्बी में आएगी वो मारेंगे और स्विच का निशान लगाएंगे और स्विच को फिक्स कर देंगे। एक होल हम मैंने पीछे वाले जुगाड़ में एक होल और मारा है, तार बिल्कुल परफेक्टली इसमें बाहर निकल जाएगी। अब हम सोल्डरिंग करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इशू नहीं है, आरपीएम के हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। अब हम जो नेगेटिव है डायरेक्ट देंगे और पॉजिटिव को स्विच को देंगे और स्विच के एक वायर हम प्लग को देंगे। अब हम इसका जो स्टोन है इसके बीच चाट देंगे। ये आगे वाला जुगाड़ मैं डायरेक्ट ही लगा दिया क्योंकि हम इतना दूर लगाएंगे भी पत्थर इसमें ना फंसे। ये स्पेशल एडजस्टेबल ये जो है आपको मैंने इसको बनाया है ग्राइंडर को। किसी दोस्त ने मुझे बोला भाई भाई मुझे डीसी मोटर पे चलने वाला एडजस्टेबल भी ग्राइंडर बना के दो, तो मैंने उसके लिए इस चीज़ को बनाया। कैसा लगा कमेंट जरूर करें, क्योंकि एडजस्टेबल है, आप किसी तरफ को भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर काम करना है तो ऊपर होगा, अगर नीचे काम करना है, अगर सीट को सीधा करना है तो वो भी आसानी से करेगा। मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये देखिए हमारा एडजस्टेबल ऑन हो गया। इससे कोई चीज़ आसानी से हम सीधी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ तिक्की करनी है, ये देखिए सीट बिल्कुल सीधी हो गई आगे से। और अगर कोई चीज़ क्योंकि 24 वोल्ट पे चलेगा तो मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, ये मोटर 24 वोल्ट वाली है तो इसके जो आरपीएम है थोड़े से कम हैं। अभी मैं आपको एडजस्ट करके दिखाऊंगा ऐसे ऊपर को भी कैसे एडजस्ट कर सकते हैं इसे। ये देखिए जहाँ पर भी ये पूरा अच्छा काम करेगा, क्योंकि कोई चीज़ ऊपर से तिक्खी करनी है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, उस भी आसानी से करेगा। क्योंकि 12 वोल्ट मेरे पास बैटरी 12 वोल्ट की है, उसके पास 24 वोल्ट की बैटरी है तो उस पर बहुत अच्छा काम करेगी मोटर। और मेरे पास जो सैंड पेपर है वो भी थोड़ा सा कसा हुआ है,
गैजेट आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। ये देखिए पोर्टेबल और रिस्टेबल ग्राइंडर मैंने आपको आज बना रखा है। वीडियो को शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर दें। और भाई मेहनत बहुत लगती है आपके भाई की, हौसला दें और वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू।